हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन गर्ल आगोमोनीज चैनल और मैं हूँ आगोमोनी। आज मैं आपके लिए परवल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को देखने के बाद आई एम श्योर परवल आपकी फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। इस रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं दही परवल की टेस्टी रेसिपी। सबसे पहले परवल ले लीजिए और धोकर इसके दोनों साइड से थोड़ा सा काट कर अलग कर दीजिए और फिर परवल का छिलका निकाल लीजिए। पूरे परवल का छिलका नहीं निकालना है, थोड़ी गैप देकर बीच बीच में छिलका निकाल लीजिए और नाइफ की मदद से बीच में काट कर दीजिए ताकि परवल में मसाले अच्छे से अंदर तक चली जाए। अब मैंने सारे परवल का छिलका निकाल लिया है। अब एक चम्मच नमक और एक चम्मच हल्दी डालकर अच्छे से चारों तरफ परवल में लगा लीजिए। आप परवल को छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। तब तक एक कढ़ाई गरम कर लीजिए और फिर उसमें डाल दीजिए थोड़ी सी तेल। तेल गरम होते ही परवल को डालकर हल्का फ्राई कर लीजिए। एक साइड से परवल का कलर चेंज हो जाए तब दूसरे साइड में पलट दीजिए। अब परवल फ्राई हो चुकी है, इसे कढ़ाई से निकाल लीजिए और उसी तेल में डाल दीजिए एक चम्मच जीरा और डाल दीजिए एक प्याज की पेस्ट और मिला लीजिए। अब डाल दीजिए सेम क्वांटिटी में अदरक लहसुन के पेस्ट। अब अच्छे से तेल में सारे चीज़ों को पकने दीजिए। अब मसाले में डाल दीजिए एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से मसाले जब मिल जाए तब कढ़ाई में डाल दीजिए एक चम्मच चीनी। मीडियम फ्लेम पर तेल में मसाले को थोड़ी सी पकने दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए एक बारीक कटी हुई टमाटर। आप चाहे तो इसकी जगह टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। अब मसाले में मिला दीजिए एक चम्मच नमक। परवल को फ्राई करने के टाइम हल्दी और नमक यूज़ किया गया था तो दूसरी बार ये दोनों चीज़ डालने के टाइम थोड़ी कम डालिए। सारे मसाले अच्छे से जब कुक्ड हो जाए तब आपको डालनी है दही। दही डालने से पहले आपको अच्छे से दही को फेंटनी है ताकि कोई भी दरदरापन दही में ना रहे, नहीं तो क्रीमी टेक्सचर नहीं आएगा। ये दही होममेड है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। दही को फेंटने के बाद मसाले में डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। अब जब सारे मसाले से तेल ऊपर आ जाए तो समझिए कि मसाले अच्छे से कुक्ड हो गई है। अब इसमें आप डाल दीजिए थोड़ी सी पानी। पानी आप उतना ही डालिए जितना आपको ग्रेवी चाहिए। मैंने पानी थोड़ा ही डाला है। दही परवल की क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए आप अगर पानी कम डालें तो ही अच्छा है। अब मसाले में सारे परवल को डालकर 10 मिनट के लिए होने दीजिए और बीच बीच में दोनों साइड से पलट दीजिए। अब ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है और परवल भी अच्छे से कुक्ड हो गई है, तो हमारी दही परवल बनकर तैयार है। आप इसे राइस, रोटी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पे जरूर बनाइए और खाकर आनंद लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।